नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लेंगे, जो आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। और इस टेस्ट में कम से कम आपको 45+ का सही जवाब देना है, तो वीडियो को पूरा देखना है। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन जो है वो आपके मेन चैनल पर करवाया है, लेकिन इस चैनल पर नहीं करवाया, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और कम से कम आपको 45+ का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आफ्टर विच वार इंपीरियर अशोका एडॉप्टेड बुद्धिस्ट, यानी कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है पानीपत, ऑप्शन बी हल्दीघाटी, ऑप्शन सी कलिंग या ऑप्शन डी मराठा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कलिंगा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो कलिंगा का युद्ध लड़ा गया था आपका 261 BC को लड़ा गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं दो नंबर क्वेश्चन पर अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु फाउंडेड द रिलीजन ऑफ दीन इलाही, यानी कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी जहांगीर। तो देखिएगा दीन इलाही धर्म की स्थापना जो किया गया था वो आपका अकबर के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी अकबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है। जल्दी से बताना है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा हड़प्पा जो होता है वो आपका रावी नदी के किनारे पर बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो किया गया था आपका दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज फ्लैग डे सेलिब्रेटेड, यानी कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताना है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 नवंबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 3 दिसंबर या ऑप्शन डी 7 दिसंबर। तो देखिएगा झंडा दिवस जो होता है वो आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और बाल दिवस जो होता है वो आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है साबरमती से, ऑप्शन बी कोलकाता से, ऑप्शन सी मुंबई से या ऑप्शन डी मद्रास से। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो आपका मुंबई अधिवेशन से हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो आपका पंडित मदन मोहन मालवीय थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। स्थापना जो किया गया था इसका 1916 में किया गया था, इसे भी आपको नोट करना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताना कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 जनवरी, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 15 जनवरी या ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो यहां पर आपको बताना है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस जो होता है आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी 14 नवंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पाली लैंग्वेज इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, यानी कि पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताने कि पाली जो भाषा होती है उसका संबंध किस धर्म से होता है। ऑप्शन है जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा पाली भाषा जो होता है उसका संबंध जो होता है आपका बौद्ध धर्म से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच विटामिन आर फाउंड इन कैरेट्स, यानी कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताइएगा कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए गाजर में जो पाया जाता है वो आपका विटामिन ए पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन है विटामिन ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 1 कैलोरी बराबर होती है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। तो देखिए 1 कैलोरी बराबर आपका होता है 4.2 जूल, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 11
नंबर क्वेश्चन करो, 11 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वीरवाज गौतम बुद्ध मौर्य यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी तिब्बत। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था आपका नेपाल में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए नेपाल, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ सनराइज यानी कि सूर्योदय का देश है किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि सूर्योदय का देश है किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान है या ऑप्शन डी भारत। तो देखिएगा सूर्योदय का देश जो कहा जाता है वो आपका जापान को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र यानी कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी से बताइएगा कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी जयदेव या ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा कि पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए पंचतंत्र पुस्तक जो होता है वो आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड स्वर कोकिला इन इंडिया यानी कि भारत में स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि भारत में स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है कि भारत में स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत में स्वर कोकिला जो कहा जाता है वो आपका लता मंगेशकर को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए भारत कोकिला जो कहा जाता है आपका सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, इसे भी आपको नोट करना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताइएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट परमवीर चक्र यानी कि परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो आपका मेजर शोभनाथ शर्मा था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, जल्दी से लॉक करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया यानी कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है। जल्दी से लॉक करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत का सबसे ऊंची मीनार जो होता है वो आपका कुतुब मीनार होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कुतुब मीनार जो होता है आपका दिल्ली में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और चार मीनार जो होता है आपका हैदराबाद में होता है, इसे भी आपको याद रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमन राज्यपाल ऑफ इंडिया, यहां पर आप गवर्नर करना। आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिया यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। जल्दी से बताइएगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ऑप्शन यहां पर आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल या ऑप्शन डी ममता बनर्जी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो आपका सरोजिनी नायडू थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर यानी कि वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा चुका है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा वायु में नाइट्रोजन की मात्रा जो होता है वो आपका 78% होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होता है वो आपका 21% होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मच कैरेट इज प्योर गोल्ड यानी कि शुद्ध सोना में कितने कैरेट का होता है, आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ऑप्शन है 24, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 35 या ऑप्शन डी 29। तो यहां पर आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो देखिए आपका प्योर गोल्ड जो होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमंस यानी कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताइएगा। ऑप्शन यहां पर आपका सोना है, ऑप्शन बी तांबा है, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी चांदी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी तांबा यहां पर आपका बिल्कुल, कॉपर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रिकेट डिजीज इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ यानी कि रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण से होता है। ऑप्शन यहां पर आपका प्रोटीन है, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी आयरन या ऑप्शन डी विटामिन डी। तो देखिएगा रिकेट
फैट्स रोग जो होता है वो आपका विटामिन डी की कमी से होता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है। ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी दूरी या ऑप्शन डी डेसिबल। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी डेसिबल, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन है फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी पोलो या ऑप्शन डी हॉकी। तो देखिएगा रंगास्वामी कप का जो संबंध होता है वो आपका हॉकी खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द सिटी ऑफ गार्डन्स कॉल्ड, यानी कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। जल्दी से बताना है कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताइएगा। तो देखिए बगीचों का शहर जो कहा जाता है वो आपका बेंगलुरु को कहा जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बेंगलुरु, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है गैलीलियो, ऑप्शन बी कॉपरनिकस, ऑप्शन सी जे एलवेड या ऑप्शन डी केपलर। तो देखिएगा सौर प्रणाली की खोज जो किया गया था वो आपका कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो ऑप्शन है यहां पर आपका 120 घंटा, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 124 घंटा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आरबीसी का जीवन काल जो होता है आपका 120 दिनों का होता है, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि द लाइन डिवाइडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड, यानी कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताइएगा। ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डुरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोह रेखा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा जो होता है आपका भारत और पाकिस्तान देश को विभाजित करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देवघर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी कि देवघर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा कि देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है। तो देखिए देवघर ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन होता है। आपसे पूछा कि संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा होता है। ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागर जो होता है वो आपका प्रशांत महासागर होता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्योर वाटर, यानी कि निम्न में से किसका सबसे ज्यादा शुद्ध जल होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है समुद्र का, ऑप्शन बी वर्षा का, ऑप्शन सी नदी का या ऑप्शन डी कुआं का। तो देखिएगा सबसे ज्यादा शुद्ध जल जो होता है वो आपका वर्षा का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन है उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त, वहां पर मैं आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक एक लाइक कर दो, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक और एक एक शेयर जरूर कर देना है। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। जल्दी से बताना है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित होता है। तो देखिए इंडिया गेट जो होता है आपका दिल्ली में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्मड, यानी कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था। जल्दी से बताइएगा कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारतीय योजना आयोग का गठन जो हुआ था आपका 1950 को हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल सिग्नल
सिग्नल ऑफ ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ का रासायनिक संकेत क्या होता है? जल्दी से बताइएगा कि शुष्क बर्फ का रासायनिक संकेत क्या होता है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी Hg, ऑप्शन सी Au या ऑप्शन डी Al। तो जल्दी से बताना है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है CO2, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। क्वेश्चन को समझिएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा जल में जो होता है वो सोडियम को मिला देने पर आपका हाइड्रोजन बनाई जा सकती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम शुगर केन, यानी कि गन्ने से हमें क्या मिलता है। क्वेश्चन को समझिएगा, आपसे पूछा है कि गन्ने से हमें क्या मिलता है। ऑप्शन है चावल, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चीनी या ऑप्शन डी मसाला। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा गन्ने से जो हमें मिलता है वो आपका चीनी मिलता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि कॉफी किससे प्राप्त होता है। आपको बताना है कि कॉफी किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन है कैफीन, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी कुनैन या ऑप्शन डी थीन। तो देखिएगा कॉफी जो होता है वो आपका कैफीन से प्राप्त होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु डिस्कवर विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है, सभी का कमेंट आना चाहिए। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताना है कि विटामिन सी की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। जल्दी से बताना है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है। ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध या ऑप्शन डी मंगल। तो देखिएगा सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो आपका शुक्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन मैंने करवाया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मोहिनी अट्टम इज द मेन डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। जल्दी से बताइएगा कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मोहिनी अट्टम जो होता है वो आपका केरला का प्रमुख नृत्य होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि असम की राजधानी क्या, यानी कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ असम। जल्दी से बताइएगा कि असम की राजधानी कहां पर है। तो असम की राजधानी जो होता है वो आपका दिसपुर में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज दिन इलाही रन, यानी कि दिन इलाही कब चलाया गया था। आपको बताना है कि दिन इलाही कब चलाया गया था। मैंने आपको शुरू में पूछा था कि दिन इलाही किसने चलवाया था, तो दिन इलाही ने अकबर ने चलवाया था। कब चलवाया था, तो आपका 1582 में, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन को। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जल्दी से बताना है कि किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी जहांगीर। तो देखिएगा वास्तुकला का स्वर्ण काल जो कहा जाता है वो आपका शाहजहां को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट रिक्ट पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है। ऑप्शन है जांघ की हड्डी, ऑप्शन बी इनमेल, ऑप्शन सी बोन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा सबसे कड़ा हिस्सा जो होता है वो आपका इनमेल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लगान फिल्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका राइट आंसर सभी को आना चाहिए। तो जल्दी से बताना है कि लगान फिल्म का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी या ऑप्शन डी फुटबॉल। तो देखिएगा लगान फिल्म का जो संबंध होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने कल का ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लेना। कल मैंने आपको ओरिजिनल पेपर करवाया था स्पोर्ट कोटा का, तो जाकर के जरूर देख लेना, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो जाकर के जरूर देख लेना, लिंक मैं दे दूंगा उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के जरूर आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरब, यानी कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। जल्दी से बताइएगा कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या होता है। तो देखिए सऊदी अरब का मुद्रा जो होता है वो आपका रियाल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है KCl, ऑप्शन बी PCl, ऑप्शन सी N2O या ऑप्शन डी KCN। तो जल्दी से बताइएगा कि पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका KCl होता है, यानी कि इसका राइट
आंसर जो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज दक्षिणेश्वर काली टेम्पल लोकेटेड, यानी कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो होता है वो आपका कोलकाता में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विथ विच सब्जेक्ट इज आर्टिकल 70 रिलेटेड, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना, यानी कि अनुच्छेद 17 जो होता है आपका किस विषय से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 17 जो होता है आपका अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ग्रीनविच किस देश में स्थित होता है, आपको बताना है कि ग्रीनविच जो होता है वो किस देश में होता है। ऑप्शन है यूके, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी यूएसए या ऑप्शन डी भारत। तो जल्दी से बताना है कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है। तो देखिए ग्रीनविच जो होता है आपका यूनाइटेड किंगडम में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है यूके, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द टेंपल ऑफ दिलवाड़ा लोकेटेड, यानी कि दिलवाड़ा का मंदिर कहां स्थित है। जल्दी से बताना है कि दिलवाड़ा का मंदिर कहां पर स्थित होता है। तो ऑप्शन है उज्जैन, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मदुरई या ऑप्शन डी माउंट आबू। जल्दी से बताइएगा कि दिलवाड़ा का मंदिर कहां स्थित है। तो देखिए दिलवाड़ा का मंदिर जो होता है वो आपका माउंट आबू में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर होता है, तो मीनाक्षी मंदिर जो होता है आपका मदुरई में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। और महाकालेश्वर मंदिर जो होता है आपका उज्जैन में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जाते जाते एक एक लाइक कर देना, एक लाइक कर दो बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक एक लाइक कर देना और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना। आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपका 50 में कितना क्वेश्चन सही होता है, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।